बच्चों आ जाओ, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3। ये मैट्रिक्स चैप्टर का लास्ट, मैट्रिक्स चैप्टर का ये लास्ट एक्सरसाइज है, मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखा है, ए मैट्रिक्स, एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दे रखा है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, शो डैट, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। आई जो है ये हमारा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर का, और फिर क्या हमारे पास एन जो है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सबसे पहली बात कि जो हमें प्रूफ करना है वो क्या, हमारा जो हमें प्रूफ करना है वो नेचुरल नंबर में है। ठीक है, ये देखो, इसको ध्यान से देखो, जो हमें प्रूफ करना है ये किस में, नेचुरल नंबर में। और अगर कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट नेचुरल नंबर में हो और उसे हमें प्रूफ करना हो तो हमें तुरंत क्या याद आ जाना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो हमने क्लास 11th में पढ़ा है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हम लोग क्या करते थे, हमारे पास 3 वेल डिफाइंड स्टेप्स होते थे, उससे हम लोग क्या करते थे, किसी मैथमेटिकल ये स्टेटमेंट जो कि नेचुरल नंबर, मतलब ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें नेचुरल नंबर इन्वॉल्व हो, उसको हम प्रूफ करते थे। ठीक है, इससे पहले भी मैंने क्वेश्चंस कराए, एग्जांपल 26 या 27, उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन, एग्जांपल 26 उसमें भी पीएमआई का मैंने क्वेश्चन कराया, उसको अगर नहीं समझ में आया तो एक बार जाके देख लेना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूशन 1 इसमें क्या बोल रहा है, इसमें हमें बोल रहा है कि हमारे पास एक ए मैट्रिक्स दे रखा है 2x2 ऑर्डर का, ये गिवन है। क्या मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास 0 1 0 0, ये मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास 2x2 ऑर्डर का। और हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है ए इंटू आई, वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये देखो, ये स्मॉल ए है ना, ये हमारा क्या है, रियल नंबर है, ये जो स्मॉल ए है ये रियल नंबर है, आई क्या हमारा मैट्रिक्स है। ठीक है, प्लस बी, ये जो स्मॉल बी है ये हमारा रियल नंबर है, कैपिटल ए क्या हमारा मैट्रिक्स है, इस पर पावर क्या हमारे पास एन, और एन क्या हमारा नेचुरल नंबर है। ठीक है, इज इक्वल्स टू, हमें क्या प्रूफ करना है, ए टू द पावर एन, ए हमारा क्या है, ए हमारा स्मॉल ए रियल नंबर है, उस पर पावर ये जो एन है ये हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। ये आई क्या हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, प्लस एन, फिर एन ये हमारा नेचुरल नंबर हुआ, ए हमारा रियल नंबर हुआ, फिर एन माइनस वन ये भी नेचुरल नंबर होगा, बी हमारा स्मॉल बी क्या, ये भी रियल नंबर है, और ये जो कैपिटल ए है ये हमारा मैट्रिक्स है। इस बात को समझना है, सबसे पहले ये बात समझ में आना चाहिए कि रियल नंबर क्या है, और जैसे इसमें मैट्रिक्स क्या है, ये आई हमारा ये मैट्रिक्स है, ये ए हमारा मैट्रिक्स है, फिर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, फिर ये बी ए हमारा कैपिटल ए मैट्रिक्स है। ठीक है, बाकी सब हमारा क्या, रियल नंबर है, स्मॉल ए स्मॉल बी एन ये सब रियल नंबर है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जिस स्टेटमेंट को हमें प्रूफ करना होता है उसे क्या मान लेते हैं, पी ऑफ एन। तो हमारा पी ऑफ एन क्या होगा, पी ऑफ एन क्या होगा, ए आई प्लस बी ए पे पावर एन इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एन आई प्लस एन ए पे पावर एन माइनस वन, एन ए पे पावर एन माइनस वन बी ए। ये हमारा क्या हो जाएगा, पी ऑफ एन, ये स्टेटमेंट हो गया। स्टेप 1 में क्या करते हैं, हमारा स्टेप 1 क्या होता है, स्टेप 1 में क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि वेदर दिस मैथमेटिकल स्टेटमेंट पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल्स टू 1 और नॉट। क्या ये हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट एन इज इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू है, इसे चेक करते हैं। तो पी ऑफ 1 निकालेंगे, पी ऑफ 1 क्या होगा, इस पी ऑफ एन में जहां जहां तुम्हें एन दिख रहा है वहां वहां 1 डाल दो तो पी ऑफ 1 आ जाएगा। तो क्या होगा, ए आई प्लस बी ए पे पावर एन है, एन की जगह क्या डालेंगे 1, फिर क्या डालेंगे, ए पे पावर एन है तो ए की जगह, एन की जगह क्या डालेंगे 1, और ये हो जाएगा आई प्लस यहां पे एन की जगह 1 डालेंगे ए, और फिर एन माइनस वन है एन की जगह 1 डालेंगे तो 1 माइनस 1, फिर क्या हो जाएगा बी, और फिर क्या हो जाएगा ए।
ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करो राइट हैंड साइड को, तो राइट हैंड साइड को कैलकुलेट करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए पे पावर वन इज ए आई प्लस, ये क्या हो जाएगा ए पे पावर वन माइनस वन क्या होगा जीरो, तो ये क्या हो जाएगा बी ए। अब तुम इसे देखो और इसे देखो, ये दोनों इक्वल नहीं है आपस में, इस पर पावर वन है तो वन पावर से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ भी वन पावर दे दो तो क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज डैट पी ऑफ वन इज ट्रू, हमारा क्या है पी ऑफ वन क्या है इज ट्रू, पी ऑफ वन हमारा ट्रू मिल गया। उसके बाद क्या करते हैं सेकेंड स्टेप में, क्या करते हैं स्टेप नंबर टू में, क्या करते हैं हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो हमारा पी ऑफ एन है, ये जो पी ऑफ एन है ये ट्रू है फॉर एन इज इक्वल्स टू के ऑल्सो। हम लोग सेकेंड स्टेप में अज्यूम करेंगे कि लेट अस अज्यूम डैट पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल्स टू के ऑल्सो। ये हमने अज्यूम कर लिया कि पी ऑफ एन क्या हमारा एन इज इक्वल्स टू के लिए ट्रू है, तो पी ऑफ के क्या होगा, पी ऑफ के अगर मैं तुम्हें बोलूं P ऑफ K लिखो तो कुछ नहीं है, P ऑफ N में जहां जहां N है वहां वहां क्या डाल दो, K डाल दो तो P ऑफ K आ जाएगा, तो P ऑफ K क्या होगा, इसमें P ऑफ N में जहां जहां N दिख रहा है ना, यहां N दिख रहा है यहां N दिख रहा है, सब जगह N की जगह K डाल दो, तो हमें क्या मिल जाएगा ए आई प्लस बी ए पे पावर N की जगह K इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा A पे पावर K आई प्लस k इंटू ए पे पावर k माइनस वन बी ए। ठीक है, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर वन, और इसको हम क्या बोलेंगे इंडक्शन एजम्पशन मान लिया। अब हमारा स्टेप नंबर थ्री क्या होता है, स्टेप नंबर थ्री के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ऐसे करते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि वी हैव टू प्रूफ, जो प्रूफ करना है उसको पहले लिखते हैं, वी हैव टू प्रूफ डैट पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू के प्लस वन ऑल्सो। ये हमें प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि जो p ऑफ n है ना, ये n इज इक्वल्स टू के प्लस वन के लिए ट्रू है। अगर हमने प्रूफ कर दिया कि pn n इज इक्वल्स टू के प्लस वन के लिए ट्रू है, तो फिर ये जो pn स्टेटमेंट है, ये pn स्टेटमेंट सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, पी के प्लस वन प्रूफ करना है, पी ऑफ के प्लस वन। तो सबसे पहले हमने देखा पी ऑफ के प्लस वन है क्या, तो पी एन में जहां जहां एन है वहां वहां के प्लस वन डाल दो, तो क्या आ जाएगा पी के प्लस वन। तो पी एन हमारा कहां पे, ये पी एन है, इस पी एन में जहां जहां एन दिख रहा है वहां वहां के प्लस वन डाल दो, तो क्या आ जाएगा पी के प्लस वन। या फिर तुम इस पी के में, इस पी के को देखो, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, इसमें जहां जहां के दिख रहा है वहां वहां के प्लस वन डाल दो, तो पी ऑफ ए के प्लस वन आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पे स्टार्ट करते, हमें जो प्रूफ करना है उसको मैं लिख रहा हूं ए आई प्लस बी ए, इस पे के है ना पावर, तो इसकी जगह के प्लस वन कर दो। फिर क्या है, ए पे पावर के है तो के प्लस वन कर दिया, आई इस के की जगह क्या डालेंगे के प्लस वन, फिर ए यहां पे इस के की जगह क्या डालेंगे, इस के की जगह के प्लस वन, के प्लस वन और एक माइनस वन ऑलरेडी है, और फिर बी ए। ये हमें प्रूफ करना है, ये जो लिखा है ना मैंने, ये हमें प्रूफ करना है। अगर हमने इसको प्रूफ कर दिया तो फिर क्या हो जाएगा, फिर ये प्रूफ हो जाएगा कि पी एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। अब इसको प्रूफ कैसे करते हैं, ये जो हमारा स्टेप नंबर टू है, जो फर्स्ट इक्वेशन है, इसको हम यूज करेंगे, इसको यूज करके हमें क्या करना है स्टेप थ्री में पी ऑफ के प्लस वन को प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने का सिंपल सा बात है कि लेफ्ट हैंड साइड दिखाओ, निकालो और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल दिखा दो। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पी के प्लस वन, पी के प्लस वन का लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया, क्या है लेफ्ट हैंड साइड ए आई प्लस बी ए पे पावर के प्लस वन। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए आई प्लस बी ए
पे पावर के इंटू ए आई प्लस बी ए, ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से ये जो दिख रहा है ना ए आई प्लस बी ए, बी ए टू द पावर के, इसका वैल्यू कहाँ से डालेंगे? फर्स्ट इक्वेशन से डालेंगे। इसका वैल्यू कहाँ से डालेंगे? यहाँ से ये डाल देंगे, तो ये इक्वेशन नंबर वन यूज भी हो जाएगा हमारा, मतलब ये जो इंडक्शन एजम्पशन है ये यूज हो गया हमारा। तो इसका वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे हमने, क्या डालना है? इसका वैल्यू डालना है हमें ए टू द पावर के आई प्लस के ए पे पावर के माइनस वन बी ए, और यहाँ पे ये क्या है ए आई प्लस बी ए, ऐसे डाल दिया हमने, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को तुम क्या करो, मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ए टू द पावर, ये पहले वाला जो टर्म है ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ए आई के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए पे पावर के है, और जब ये मल्टीप्लाई करोगे तो एक ए पे पावर वन है, तो पावर तो ऐड हो जाएगा, तो ए पे पावर क्या हो जाएगा, के प्लस वन, ये हो गया के प्लस वन। उसके बाद ये आई और ये आई मिलके क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर, ठीक है। तो फिर हमने ए टू द पावर के आई को हमने ए आई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ए टू द पावर के आई को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बी ए के साथ। तो ध्यान से देखो क्या होगा, ए टू द पावर के आई और ये होगा बी ए, ऐसे हो गया। अब आई फिर प्लस लिखेंगे, अब ये जो हमारा सेकंड टर्म है ना के ए पे पावर के माइनस वन इंटू बी ए, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए आई के साथ। तो क्या होगा, ए पे पावर वन है ना, यहाँ पे ए पे पावर वन है, तो यहाँ पे पावर क्या है, ए पे पावर के माइनस वन है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए पे पावर तो ऐड हो जाएगा ना, तो ये क्या होगा के ए पे पावर के माइनस वन प्लस वन, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा बी बी ए आई, आ गई होगी बात समझ में, मल्टीप्लाई किया है इस दो टर्म्स को, मल्टीप्लाई किया हमने इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, तो ए पर पावर स्मॉल ए पर पावर तो ऐड हो गया, अब बाकी क्या हो गया, ये के लिख दिया और यहाँ पे क्या है बी ए आई लिख दिया, ठीक है। अभी तक तो क्लियर होगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो हमारा टर्म है इसको फिर किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो टर्म है इसको बी ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, प्लस क्या हो जाएगा बी, तो यहाँ पे बी का पावर ऐड हो जाएगा और ए का पावर भी ऐड हो जाएगा, ये मैट्रिक्स पे है ना, तो ए इंटू ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, बी इंटू बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, तो ये क्या होगा के ए पे पावर के माइनस वन, और ये बी इंटू बी, बी स्क्वायर हो गया, और ये हो गया ए स्क्वायर, ठीक है ना। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, इसको थोड़ा हम लोग ना रीअरेंज कर ले, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, आई स्क्वायर का वैल्यू होगा आई, किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कोई भी पावर ले लो वो आई के इक्वल होता है, तो ये क्या हो जाएगा ए पे पावर के प्लस वन, आई को स्क्वायर को हमने आई लिख दिया, प्लस क्या लिखा हमने। अब इसमें देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है समझने वाली, कि इसमें मैट्रिक्स क्या है, इसमें ए मैट्रिक्स है और ये जो है ना ये सब, सॉरी ए मैट्रिक्स है और आई मैट्रिक्स है, ये आई और ए मैट्रिक्स है, और ये ए पे पावर के और ये जो बी है ना इस, ये स्केलर की तरह काम कर रहा है, जैसे हम मैट्रिक्स में लिखते हैं ना ऐसे थ्री इंटू ए, तो ये तो मैट्रिक्स होता है और ये क्या होता है स्केलर होता है ना। तो इस केस में क्या है, इस केस में ऐसे लिखा हुआ है, समझने वाली बात क्या है कि इस केस में ऐसे लिखा हुआ ए टू द पावर के आई बी ए, ऐसे लिखा है ना, तो ये दो तो मैट्रिक्स है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए टू द पावर के बी और यहाँ पे आई ए लिख सकते हैं। अब किसी भी दुनिया के किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो सेम मैट्रिक्स होगा, तो ये आई ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ए टू द पावर के बी इसको हम ए लिख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और ये जो हमारा ए टू द पावर के है ना, ए टू द पावर के, ये हमारा स्केलर की तरह काम कर रहा है, जैसे हम लिखते हैं ना थ्री इंटू ए मैट्रिक्स, तो जैसे ये थ्री स्केलर की तरह काम करता है ना, वैसे ए टू द पावर के इंटू बी ये ए मैट्रिक्स के लिए स्केलर का काम कर रहा है, इसको समझना है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, यहां पे हो गया, अब इसको क्या लिखेंगे, स्केलर को एक साथ ले आए, तो ए टू द पावर के बी, ये तो स्केलर की तरह काम कर रहा है, आई ए एक साथ लिख लिया, ठीक है। यहां पे क्या होगा प्लस के और ए पे पावर, ये माइनस वन प्लस वन कैंसिल, तो के हो गया, और यहाँ पे बी ले लिया हमने, और ये ए लिख लिया और आई लिख लिया, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा प्लस के इंटू ए पे पावर के माइनस वन बी स्क्वायर ए स्क्वायर,
ऐसे हो गया। अब यहां पे आ जाओ जो हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है। ए मैट्रिक्स क्या गिवन है? नाउ यहां पे अभी हम लोग एक बार रोक के, ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या गिवन है? ए कैपिटल ए मैट्रिक्स जो क्वेश्चन में गिवन है वो है 0 1 0 0। तो यहां से तुम ए स्क्वायर निकालो, ए स्क्वायर निकालो, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 0 1 0 0 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करो 0 1 0 0, इसको मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, पहला रो पहला कॉलम 0 इंटू 0 0 1 इंटू 0 0, तो ये हो गया 0। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू 1 0 1 इंटू 0, तो ये भी हो गया 0। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 0 0 इंटू 0, तो ये हो गया 0। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू 1 0 0 इंटू 0 0, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ए स्क्वायर है ये एक नल मैट्रिक्स है, टू ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर का नल मैट्रिक्स है, या 2x2 ऑर्डर का नल मैट्रिक्स है, ये समझना है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, ये स्क्वायर ये एक नल मैट्रिक्स है, समझ में आ रही है बात? तो अब आ जाते हैं फिर लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाते हैं। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए आई सॉरी, ये हमारा हम लोग आ जाते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड ये हमारा, ये किसके इक्वल मिला था हमें, ये हमें मिला था ए पे पावर के प्लस 1 इंटू आई, ये समझ में आ गया। अब यहां पे तुम देखो इस स्टेप में देखो क्या है, इसको तुम देखो ऐसे ध्यान से, यहां पे इसको मैं ए आई को ऐसे लिख देता हूं, ए आई पे ऐसे ब्रैकेट लगा देता हूं, ए आई लिखो या आई ए लिखो बात बराबर है, ठीक है? किसी भी ए आई लिखो या आई ए लिखो, ये किसके इक्वल होता है, ये ए के इक्वल होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो अब इसको हमने क्या किया, इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, तुम्हें इन दो टर्म में से दिख रहा है ए टू द पावर के इन टू बी कॉमन दिख रहा है, इन दोनों टर्म में से ये वाला ए टू द पावर के बी कॉमन दिख रहा है तुम्हें, ये टर्म यहाँ पे देखो ए टू द पावर के इन टू बी, ये कॉमन टर्म दिख रहा है ना, इसको कॉमन ले लो, ठीक है? ये कॉमन ले लेंगे, प्लस हमने क्या ले लिया, हमने कॉमन ले लिया ए टू द पावर के बी, और ये आई ए भी कॉमन है, सॉरी ये आई ए भी कॉमन है यहाँ पे, ये तो पूरा टर्म कॉमन है, ये वाला जो है ना, ये पूरा टर्म, ये टर्म देखो और ये टर्म देखो, ये पूरा टर्म कॉमन है, तो ले लो। तो अगर पूरा टर्म कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा k प्लस 1 और क्या बचेगा a टू द पावर k इंटू बी आई ए, ऐसे बच जाएगा, ये पूरा टर्म कॉमन था ना, आ गया बाहर। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इस टर्म में आ जाओ, इस टर्म में, इस टर्म में हम क्या लिखेंगे, के ए पे पावर के माइनस 1 बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर को लिखेंगे 0, 0 नहीं कैपिटल ओ, नल मैट्रिक्स, ठीक है? अब इस नल मैट्रिक्स के साथ ये जो है ना हमारा स्केलर की तरह काम कर रहा है, जैसे मैं कोई एक नल मैट्रिक्स ले लूँ, लाइक 2x2 ऑर्डर का ये 0 0 नल मैट्रिक्स ले लूँ 2x2 ऑर्डर का। अब यहाँ पे तुम दुनिया का कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई करो, ऑन द होल ये एक नल मैट्रिक्स ही होगा 2x2 ऑर्डर का, यार ये बात समझ में। मान लो कि हमने 2 मल्टीप्लाई किया, तो 2 इन सब 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 0 हो जाएगा, तो अगेन नल मैट्रिक्स होगा। तो नल मैट्रिक्स के साथ में कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई करो वो नल मैट्रिक्स होता है, ठीक है? तो ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये जो है ना हमारा यहाँ से यहाँ तक, ये तो स्केलर लिखा हुआ है ना, बिकॉज k भी रियल नंबर है, a भी रियल नंबर है, k माइनस 1 भी रियल नंबर है, b स्क्वायर भी रियल नंबर है, सिर्फ a ही तो मैट्रिक्स है। ये a स्क्वायर क्या हमारा, a स्क्वायर एक नल मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये क्या हो गया, a पे पावर k प्लस 1 इंटू आई प्लस k प्लस 1 इंटू a पे पावर k b आई a, और ये नल मैट्रिक्स है, तो ऑन द होल ये क्या हो जाएगा, नल मैट्रिक्स हो जाएगा प्लस 0। अब किसी भी इक्वेशन में, मैट्रिक्स इक्वेशन में नल मैट्रिक्स को ऐड करना क्या होता है, मीनिंगलेस होता है। तो ये फाइनल क्या आ गया हमारे पास, ए पे पावर के प्लस 1 इंटू आई प्लस के प्लस 1। अब मैं ये जो के है यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो के है इसकी जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ के प्लस 1 माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं है, बी आई ए, बस हो गया नल मैट्रिक्स हटा दिया। अब ये आ जाओ हमें जो पी ऑफ के प्लस 1 का राइट हैंड साइड क्या है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यही है ना राइट हैंड साइड पी ऑफ के प्लस 1 का, इसको मैं यहाँ पे देख लेता हूँ,
टैली करने के लिए मैंने एक मिनट के लिए इसको कॉपी करके यहाँ पे रख लिया। अब देखो क्या कॉमन आ रहा है, क्या ये हो रहा है, ये दूसरा कॉपी हो गया, सॉरी एक मिनट, इसको ना मैं एक मिनट के लिए रेस कर देता हूँ। ये है ना राइट हैंड साइड हमारा, इसका पी ऑफ के प्लस वन का राइट हैंड साइड क्या आ रहा है, ये है राइट हैंड साइड, सॉरी ये है राइट हैंड साइड, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ टैली करने के लिए क्या आया कि नहीं, यहाँ पे करके यहाँ पे रख लिया। ठीक है, अब तुम देखो ए पे पावर के प्लस वन, ये आ गया पहला टर्म मैच कर गया, के प्लस वन ए पे पावर के प्लस वन माइनस वन बी ए, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हो, देख लो ए पे पावर के प्लस वन इंटू आई प्लस के प्लस वन, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो ए पे पावर के प्लस वन माइनस वन, ये बी ए आई, इसको क्या होगा, ये बी आई का वैल्यू क्या होगा, बी ए होगा, क्यों बी आई ए, आई ए का वैल्यू क्या होगा, ए होगा, तो ये हो जाएगा बी ए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, सेम मैट्रिक्स होता है, तो आई ऑफ ए लिख लो या ए ऑफ आई लिख लो, ये किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा, समझ में आ रही बात, तो देख लो ये जो है हमारा, इसको देखो और यहाँ पे देख लो इसको, ये दोनों सेम है ना, और ये है क्या राइट हैंड साइड ऑफ पी के प्लस वन, पी के प्लस वन, ये पी के प्लस वन का राइट हैंड साइड है, तो ये भी क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड ऑफ पी के प्लस वन, पी के प्लस वन का राइट हैंड साइड है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, अब हमने क्या लिखना है, और ये लेफ्ट हैंड साइड क्या हमने लिया है, ये लिया है ना, तो देख लो ये क्या हो जाएगा ए आई प्लस बी ए पे पावर के प्लस वन, पे पावर क्या मिल रहा है हमें के प्लस वन, ठीक है, ये हो गया राइट हैंड साइड ऑफ पी के प्लस वन। इसका मतलब फाइनली हमें क्या मिल गया, प्रूफ हो गया ए आई प्लस बी ए पे पावर के प्लस वन इज इक्वल्स टू ए पे पावर के प्लस वन इंटू आई प्लस के प्लस वन इंटू ए पे पावर के प्लस वन माइनस वन बी ऑफ ए, ये हमने फाइनली प्रूफ कर लिया। ठीक है, और ये हमने फाइनली प्रूफ कर लिया, हमने इसे क्या किया है, प्रूफ किया है, ऐसे नहीं कि हमने इसको ये किया है, क्या बोलते हैं इसको, हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूफ किया है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं हेंस बाय पीएमआई, हेंस बाय पीएमआई, पीएमआई पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर वन बच्चों सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर टू में, बच्चों क्वेश्चन नंबर टू में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर टू में क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखा है ए, ऑर्डर क्या है थ्री बाई थ्री ऑर्डर है। ठीक है, ये मतलब थ्री बाई थ्री ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है हमारे पास ए, थ्री बाई थ्री ऑर्डर का, और हमारे पास क्या बोल रहा है कि प्रूफ करो ए टू द पावर एन जो है होगा वो इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जैसे ही नेचुरल नंबर दिख रहा है और हमें प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, मतलब ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हमें प्रूफ करना है और इसमें इन्वॉल्व किया ओनली नेचुरल नंबर, वैसे ही हमें क्या याद आ जाना चाहिए पी एम आई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो स्टार्ट करते हैं सेम लाइन पर, सॉल्यूशन क्या होगा इसका, सबसे पहले पी ऑफ एन, गिवन क्या है, गिवन क्या है, हमारे पास एक ए मैट्रिक्स दे रखा है थ्री बाई थ्री ऑर्डर का, एक ए मैट्रिक्स दे रखा है वन 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 और वन, ये मैट्रिक्स दे रखा है। ठीक है, एक तो ये गिवन है, उसके बाद हमारे पास क्या है, ये ए ऑफ एन जो हमें प्रूफ करना है ना, उसको हमने पी ऑफ एन मान लिया, पी ऑफ एन क्या मान लिया ए टू द पावर एन, ये क्या है पी ऑफ एन जो है हमारा ए टू द पावर एन है, ये क्या हमारे पास, ये है थ्री पे पावर एन माइनस वन
थ्री पे पावर एन माइनस वन, थ्री पे पावर एन माइनस वन, ये दे रखा है हमारे पास ये। ये दे रखे है हमारे पास ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा स्टेप नंबर वन क्या होता है, स्टेप नंबर वन होता है वन पी ऑफ वन चेक करना, P ऑफ वन ट्रू है कि नहीं। तो इसमें P ऑफ n में जहां जहां n दिख रहा है वहां वहां वन डाल दो, तो n की जगह यहां पे वन डालो, यहां पे n की जगह वन डाल दिया, तो क्या मिल जाएगा हमें, देखो इस n की जगह वन डालोगे तो वन माइनस वन जीरो, तो थ्री टू द पावर जीरो, सब में आ जाएगा थ्री टू द पावर जीरो, तो एनी नंबर टू द पावर जीरो क्या होता है वन, तो यहाँ हो गया वन, ये हो गया वन, ये हो गया वन, ठीक है, ये हमारे पास वन वन हो गया। अब यहां से ये हो गया हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। विच इज ट्रू, देख लो ए वन यही है ना, ए पे पावर वन इसको लिख सकते हो ना, ये इसके इक्वल है, तो हो गया। अब स्टेप नंबर टू में क्या करते हैं, स्टेप नंबर टू में हम लोग लेते हैं, लिखते हैं लेट अस अज्यूम दैट पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल्स टू के ऑल्सो। हमने अज्यूम कर लिया कि पी ऑफ एन जो है वो एन इज इक्वल्स टू के लिए ट्रू है, तो पी के में जहां जहां सॉरी पी एन में जहां जहां एन है वहां वहां क्या डाल दो, के डाल दो, तो पी ऑफ के क्या होगा, पी ऑफ के होगा इसमें जहां जहां तुम्हें एन है वहां वहां क्या डाल दो, के डाल दो। तो देखो पी ऑफ के क्या होगा, ये पी एन है हमारा, इसमें जहां जहां तुम्हें एन दिख रहा है वहां वहां क्या डाल दो, के डाल दो। तो यहां पे हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे इस n को हटा के इस n को सब n को हटा के क्या डालेंगे, k डालेंगे, यहाँ पे ये n सब हटेगा और इसकी जगह क्या होगा, k आएगा। तो ये हो गया हमारा k, और ये भी n हटेगा, इसकी जगह k आ जाएगा, ये होगा k माइनस वन, 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 के माइनस वन, के माइनस वन, के माइनस वन, ये हो गया क्या हमारा ए टू दी पावर के, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसको हम क्या मानेंगे, फर्स्ट इक्वेशन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन एजम्पशन। ये क्या होता हमारा, इंडक्शन एजम्पशन, ठीक है। ये तो हो गया हमारा स्टेप टू। अब स्टेप थ्री, स्टेप थ्री क्या करते हैं, स्टेप थ्री में जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, स्टेप थ्री में वी हैव टू प्रूव डैट पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल्स टू के प्लस वन ऑल्सो। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को ये प्रूव करना होता है कि पी एन जो है हमारा वो एन इज इक्वल्स टू वन प्लस ये के प्लस वन के लिए भी ट्रू है। अगर हमने प्रूव कर दिया कि पी एन हमारा एन इज इक्वल्स टू के प्लस वन के लिए भी ट्रू है, तो फिर कहानी हमारी बन गई, फिर हो जाएगा। स्टेप थ्री में हम क्या लिखेंगे, we have to prove that pn is true for n is equals to k plus 1 also. अब pk plus 1 क्या है, pk plus 1 में क्या है कि जहां जहां pk में k plus k दिख रहा है वहां वहां क्या डाल दो, k plus 1। मतलब कि हमें क्या प्रूफ करना है, हमें जो प्रूफ करना है वो ये करना है, हमें क्या प्रूफ करना है, चलो मैं लिख के दिखाता हूं, हमें ये प्रूफ करना है पी के प्लस वन। इसको तुम ऐसे बोलो कि पी एन में, इस पी एन में जहां जहां एन दिख रहा है वहां वहां के प्लस वन डाल दो, या इस पी के में जहां जहां तुम्हें के दिख रहा है वहां के प्लस वन डाल दो।
तो क्या हो जाएगा, इस पी के में यहाँ जहाँ जहाँ हमें के दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या डालेंगे, के प्लस वन, तो क्या हो जाएगा, इस ए पे पावर के है तो ये क्या हो जाएगा, के प्लस वन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखना, इस k की जगह अगर मैं k प्लस वन डालता हूँ, इस k की जगह अगर मैं k प्लस वन, तो k प्लस वन माइनस वन तो क्या हो जाएगा, थ्री टू द पावर k, तो जितने भी सारे टर्म्स हैं सब पे पावर क्या हो जाएगा, थ्री टू द पावर k, ऐसे हो जाएगा ना, थ्री टू द पावर k, 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 ये हमें प्रूफ करना है, ये हमारा पी के प्लस वन है, इसे हमें प्रूफ करना है, समझ में आ रही बात, इसी को हमको करना है टू बी प्रूफ्ड, इसको हमें प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, सबसे पहली बात है क्या कि हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करेंगे, पहली बात। दूसरी बात क्या कि इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर देंगे। तो अब लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया ऑफ पी के प्लस वन का, पी के प्लस वन का हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है पी के प्लस वन का, ए पे पावर के प्लस वन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए पे पावर के इंटू ए। अब ए पे पावर के क्या है, ए पे पावर के यहाँ से निकाल लो, ये है ना ए पे पावर के, इंडक्शन का इसी को तो यूज़ करना है, इसको हमने ए पे पावर के है, ये है ना ए पे पावर के, ये लिख लिया ए पे पावर के इंटू ए, ए क्या है हमारे पास, ए यहाँ पे ये वाला इक्वेशन है, ये ए है, यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, पहला रो पहला कॉलम देखना ध्यान से, ये इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, बात को सुनना ध्यान से, इस वन से, फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई अगेन इस वन से, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, अगेन इस वन से करोगे मल्टीप्लाई और ऐड कर दोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्री पे पावर के माइनस वन प्लस थ्री पे पावर के माइनस वन प्लस थ्री पे पावर के माइनस वन, ऐसे हो जाएगा ना। अगर तुमने थ्री पे पावर के माइनस वन को एक्स लिख दिया तो ये क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स लिखा हुआ है। अगर हमने 3 पे पावर k माइनस 1 को x बोल दिया तो ये क्या लिखा हुआ, x प्लस x प्लस x, तो 3x और फिर x की जगह क्या डाल देंगे, 3 पे पावर k माइनस 1, तो ये बताओ, अब ये 3 पर पावर ऐड हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, 3 पे पावर k माइनस 1 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, 3 पे पावर k नहीं हो जाएगा, समझ रहे हो बात को। अगर इसको हमने x बोला तो x प्लस एक्स प्लस एक्स लिखा है तो क्या लिखा है, थ्री एक्स, फिर x का वैल्यू हमने 3 पे पावर k माइनस 1 डाल दिया, अब 3 पे पावर तो ऐड होगा, यहाँ पे पावर क्या है, k माइनस 1 प्लस 1, तो 3 पे पावर k। इसका कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है कि जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हें, ये आ जाएगा 3 पे पावर k, मतलब ये जो है ना हमारा पहला टर्म आ गया 3 पे पावर के, फिर ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर वही चीज़ आ जाएगा, ये वाली चीज़ आ जाएगी फिर दोबारा, तो यहाँ पे ये दूसरा टर्म भी क्या होगा मैट्रिक्स का, 3 पे पावर के ही होगा, फिर फर्स्ट रो फिर थर्ड कॉलम, फिर यही हो जाएगा, ये टर्म आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे पावर 3 पे पावर के होगा, ऐसे यहाँ पे 3 पे पावर के, 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 बस हो गया। ये क्या हमारा, देख लो यही है ना, राइट हैंड साइड है ना पी के प्लस वन का, ये क्या हमारा, ये हमारा राइट हैंड साइड ऑफ पी के प्लस वन, ठीक है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, हेंस बाई पी एम आई, हेंस बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर के लिए पी एन क्या हमारा ट्रू है, ठीक है बच्चों। ये हमने एक क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व कर लिया, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री, ओके।